यार आज मैं फ्रिज को लेकर काफी परेशान हूं। फ्रिज काफी दिन से चल रहा था, थोड़ा गंदा हो गया था, बर्फ भी ज्यादा जम गया था, तो मैंने डिफ्रॉस्ट बटन दबाकर फ्रिज को डिफ्रॉस्ट कर दिया। उसके बाद अब देखता हूं पूरी दिन भर हो गई है, फ्रिज चालू ही नहीं हो रहा, ठंडा नहीं कर रहा, इसमें दूध दही सब्जी तक खराब हो जा रही है। अब इस कंडीशन से मैं क्या करूं, किसी टेक्नीशियन को फोन लगाता हूं तो अभी लॉकडाउन है, समय खराब है, इसलिए कोई टेक्नीशियन भी नहीं आ पा रहे हैं, तो मुझे काफी प्रॉब्लम हो रही थी। तब मैं सोचा कि आखिर मैंने इस फ्रिज में ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से मेरी फ्रिज बंद हो गया था। तो दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पर साफ सफाई करने के लिए पूरी सामान को निकाल कर इसकी अच्छे से साफ सफाई कर ली, लेकिन इस फ्रीजर में ज्यादा बर्फ जम गया था। मैं आपको थोड़ी वीडियो जूम करके दिखाता हूँ पास से। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रिज को, इस फ्रीजर में बहुत ज्यादा बर्फ जम गई थी, उसको गलाने के लिए मैंने डिफ्रॉस्ट कर दिया था। तो अब मैं फिर से डिफ्रॉस्ट बटन को चेक करता हूँ, तो ये जो बीच में गोल वाली बटन है, जब मेरी फ्रिज चलती थी ठीक ठाक तो ये जो गोल वाली बटन बाहर रहता था, लेकिन अभी डिफॉल्ट हो गई है और मेरी फ्रिज चालू ही नहीं हुई है, ये बटन अंदर दबा की दबा है। तो क्या करूं, इस बटन को थोड़े एक बार बंद करता हूं पूरी। बंद करने के बाद कई बार ये बटन बाहर आ जाती है, लेकिन बाहर अभी भी नहीं आ रही है। तो क्या करता हूं, पूरी इस बटन को इस तरीके से खींच लेता हूं। ये देखिए पूरी बटन को मैं खींच दिया, इससे ये हुआ कि यहाँ पर जो थर्मोस्टेट में एक छोटा सा जो पिन जैसा है, जो कि अंदर की साइड पुश होती है, वो भी बाहर आ गया बटन को खींचने की वजह से। अब मेरी फ्रिज जो है चालू हो गई है। फिर से इस बटन को लगाता हूँ और ये पुश बटन को भी लगाता हूँ। तो इस तरीके से मैंने पुश बटन को लगा दिया, अब मेरी जो फ्रिज है वो चालू हो गई है। तो अभी जान में जान आया कि मेरी फ्रिज को मैंने खुद से ठीक कर लिया। काफी सिंपल, छोटी सी कई बार फ्रिज में प्रॉब्लम